हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग एक अपडेट या कहिए एक न्यूज़ शेयर करूंगा आपसे। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो सेशन में क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि CBSE आपके एग्ज़ाम के लिए दो ऑप्शंस पर पहले से विचार कर रहा है। ऑप्शन नंबर वन ये था कि आपके एग्ज़ाम ना कराए जाएं और आपके जो स्कूल में इंटरनल एग्ज़ाम्स आपने दिए उनके मार्क्स के बेसिस पे आपको क्लास 12th के मार्क्स प्रोवाइड किए जाएं। दूसरा ऑप्शन ये था कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं और टाइम ड्यूरेशन कम कर दी जाए और क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर दिए जाएं। बच्चों, यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन भी दिख रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है और इसके अनुसार CBSE may give 12th marks based on result of past 3 years। ऐसा भी हो सकता है, इस पर भी विचार हो रहा है कि क्लास 12th के मार्क्स आपके प्रीवियस 3 years के मार्क्स के बेसिस पे दे दिए जाएं। प्यारे बच्चों, आपके CBSE क्लास 12th एग्ज़ाम्स को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है और हम सबको विश्वास है कि परसों इस पर कुछ ना कुछ फैसला निश्चित ही आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, हम लोग आपसे छोटी से छोटी अपडेट शेयर करते रहते हैं ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हों सर्च करने में और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक यू बच्चों, वंस अगेन, बाय बाय।